Hello everyone and welcome back to my channel. Okay, first of all I want to thank all my students. मैं मेरे सभी students को thanks कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे appreciate किया मेरे videos को like करके. आप continuously ऐसे ही मेरे videos देखते रहिए. आपने अभी तक मेरे videos नहीं देखे हैं तो नीचे description box में उसकी link दी हुई है, आप वहाँ जाकर सारे grammar के videos देख सकते हैं. Okay, once again thank you so much. Now today in this video we will see use of was verb. आज हम इस video में was verb का use देखेंगे. इसके पहले वाले video में हमने is, am, are का use देखा था जो कि present tense के simple statement करने के लिए किया जाता है. Okay, कल ही आपको समझा दिया था कि is, am, are plus verbs ing form ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क कंटिन्यूएशन में है, ये बताने के लिए कंटिन्यूअस टेंस में होता है. अब वैसे ही यहाँ वॉज वर्क का यूज हमें सिंपल स्टेटमेंट करने के लिए जो पास्ट टेंस के हैं उनके लिए यूज करना है, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस में. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉज एंड वर्क. हिंदी मीनिंग हम जान लेते हैं. वॉज मीन्स होता है था या थी. ओके, एंड वर्क मीन्स होता है थे, ये इसकी हिंदी मीनिंग है. सो जब हमें था और थी के एंडिंग वाले या थे के एंडिंग वाले जो सेंटेंसेस है हिंदी के उनके लिए यूज करना है तब हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे. जैसे वह एक अच्छा डॉक्टर था, ही वॉज अ गुड डॉक्टर, ऐसा हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वॉज और वर्ब का यूज किन किन सब्जेक्ट्स के साथ कैसे कैसे होता है. ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी आई विथ सब्जेक्ट आई. जब आई सब्जेक्ट होगा तब हम यूज करेंगे वॉज. ओके, कल हमने देखा था आई के साथ हमने प्रेजेंट टेंस में एम का यूज किया था, यहाँ आई के साथ वॉज का यूज होगा. देन यू, यू के साथ यूज होगा वर. ओके, यू के साथ हम यूज करेंगे वर. एंड देन जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लाइक he, she, it, etc. राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर हैं उनके साथ हम यूज करेंगे was. और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं लाइक they, we, राम एंड श्याम एक्सेट्रा, जहां भी हमें प्लूरल सेंस मिलेगा सो वहां पर हम यूज करेंगे वर का. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम पास्ट टेंस के सेंटेंस में वर का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, आई के साथ वॉज और यू के साथ वर. सो जस्ट आपको रिमेम्बर क्या करना है, आई विथ आई वी हैव टू यूज वॉज, यू वर, देन ही शी इट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, वॉज प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक दे, वी, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ट्रीज, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, उनके साथ हम यूज करेंगे वर्ब. ओके गाइस, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. लेट्स सी, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ जीके कॉलेज. ओके, हियर आई यूज आई एंड दैट्स व्हाई हियर वॉज इज यूज्ड. ओके, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जीके कॉलेज, मैं जीके कॉलेज की एक छात्रा थी. ठीक है, We were in the party. यहां पर we plural subject है और इसीलिए were use हुआ है. Okay guys? Then he was sad. वह दुखी था. He is a singular subject and that's why was is used here. Then she was a very good cook. यहां पर she once again singular subject है और इसीलिए यहां पर be was का use हुआ है. Okay? It, then it भी singular subject है इसलिए हमने यहाँ पर was का यूज किया है. इट वॉज अ नाइस प्लेस. माई फ्रेंड्स, अब यहाँ फ्रेंड्स देखो प्लूरल है. ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वर. माई फ्रेंड्स वर विद मी यस्टरडे. जब हमें पास्ट टेंस के स्टेटमेंट्स कहने होते हैं तब हम was वर का यूज करते हैं. ओके, आई थिंक कैन ऑल्सो यूज was वर इन योर ओन सेंटेंसेस. ओके गाइज, आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू ऑल. नाउ वी विल मीट in our next video with new topic. Until then, goodbye, see you.